ओके गाइस, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और इनके वीडियो पे मैं दिखा देता हूँ, पहले जो वीडियो अपलोड कर रहे थे भाई, तो उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज नहीं आ रहे थे, यानी कि काफ़ी कम आ रहे थे। जैसे ये वीडियो टेक्स्ट वाले वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है तो उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं, और तो आईडी पे आकर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार के आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे और इनके वीडियो पे मिलियंस में लाइक्स एंड व्यूज आए हुए हैं। तो यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और आपको यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टिकटॉक एप्लीकेशन से ही इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको करना क्या है, सिंपल, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर टिकटॉक का आईडी यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्ट टिकटॉक पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी साउंड को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ किसी एक साउंड को यूज करके। तो सिंपल एक वीडियो को मैं ओपन करता हूँ, तो आज मैं आपको इस तरह के वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लाते कहाँ से हैं, तो सिंपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं स्टेटस, और बहुत सारे आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा, और सिंपल वहाँ से टाइप कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है यूज दिस साउंड का, सिंपल, तो सबसे पहले यूज दिस साउंड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर मिल जाएगा, तो आपको सिंपल यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट करना है। तो मैंने एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है, और आपके वीडियो का वॉल्यूम जो है इसे आपको सिंपल जीरो कर देना है, और ये टिकटॉक साउंड है इसे आपको फुल कर देना है। इसके बाद इसे राइट क्लिक पे कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट का, सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कलर चूज करना है। तो आपको जो भी कलर से आपको टाइपिंग करना है वो कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल आपको येलो कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से ये टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपल मैंने कुछ टेक्स्ट को टाइप करके रख रखा हो, तो इसे हम कॉपी करते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पेस्ट का, सिंपल पेस्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कलर जो हमारा यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अब बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो सिंपल आपको ई का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी कलर का आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसे डन करते हैं। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से दोनों फिंगर से आपको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं या फिर रोटेट भी कर सकते हैं। सिंपल इसके बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फिर से हम चलते हैं टेक्स्ट पे, सिंपल पहले इसे एडजस्ट कर लेते हैं सही तरह से। इसके बाद देख सकते हैं दो हमारा टेक्स्ट हो चुका है, अब थर्ड टेक्स्ट लेकर आना है। इसे हम बैक करते हैं, जो मैंने कॉपी किया था, जो मैंने यहाँ पे टाइपिंग किया था उसे हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से इसे बैक करेंगे, यहाँ पर फिर से आ जाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर से हमें यहाँ पर प्रेस करना है, ठीक है। इसके बाद इसे हम क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसे हम फाउंट का कलर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया उसे कलर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इसे हम डन करेंगे। सिंपल इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है, इस तरह से मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टीकर यूज करना है, तो आप यहाँ से स्टीकर भी यूज कर सकते हैं, सही से आपको एडजस्ट कर लेना है। फर्स्ट वाले कुछ बड़ा कर रखे हैं, तो कुछ सेकेंड वाले को आपको कुछ इस तरह से हल्का छोटा कर देना है, और थर्ड वाले को कुछ इस तरह से बड़ा करना है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ फिर से आपको क्या करना है, अगर कोई मिस्टेक्स हो गया इस पर तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे, यदि कुछ मिस्टेक हो गया तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से टेक्स्ट पे आते हैं, और यहाँ से आपको टाइप लिखना है, तो सिंपल मैं अपने नाम लिख के खाता हूँ, शैलेंद्र मैंने लिख दिया नाम, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और इसे आपको कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन करना है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ पे भी आप इसे रखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस शैलेंद्र जो मैंने लिखा उसे हमें कोई काम नहीं है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और इसे आपको डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल मैं आपको बताता हूँ डिलीट कैसे करना है, प्रेस करके रखेंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट का, सिंपल इस पर छोड़ देना है। ये आप जो ऑप्शन जो था, ये जो टेक्स्ट था वो आपका डिलीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है,
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो जिस सॉन्ग पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस सॉन्ग पहले यहाँ पे टाइप कर लेना है। फर्स्ट हैशटैग आपको ये यूज करना है, सेकेंड हैशटैग क्या यूज करना है फॉर यू, थर्ड हैशटैग आपको यूज कर लेना है फॉर यू पेज, फोर्थ नंबर पे यूज कर लेना है FYP, फाइव नंबर पे यूज कर लेना है ट्रेंडिंग, ठीक है। इसके बाद सिक्स नंबर पे स्लो मो यूज कर लेता हूँ क्योंकि जो वीडियो जो हमारा है स्लो मो में है, क्योंकि जो स्लो मो मैंने जो किया था काइनवास्ट एप्लीकेशन से किया था, पहले ही मैंने वीडियो को एडिट करके स्लो मोशन करने के बाद एक्सपोर्ट कर लिया था। इसके बाद सिंपल यहाँ से आपको वीडियो को अपलोड कर देना है।